जय हिंद किड्स, किड्स वेलकम टू योर हिंदी क्लास। ये आपकी कौन सी क्लास है? ये आपकी हिंदी क्लास है। और आज हम क्या करेंगे? आज हम अक्षर री, कौन सा अक्षर? अक्षर री की कहानी सुनेंगे और उसे बुक में से पढ़ना सीखेंगे। अक्षर री को बुक में से पढ़ना सीखेंगे। सो किड्स, टेक आउट योर मेरी प्रथम का ख का पुस्तक एंड ओपन पेज नंबर 9। या आपको इस पेज पे क्या नजर आ रहा है? इस पेज पे बना हुआ है री। री से क्या क्या है हम वो पढ़ेंगे। री ऋषि री ऋषभ री ऋतु। एक बारी और पढ़ेंगे। री ऋषि री ऋषभ री ऋतु। या तो आपको आप री से कौन कौन से शब्द हैं हमने वो बुक से पढ़े। अब हम अक्षर री की कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कहानी सुनेंगे। ओके किड्स, ओके, तो ध्यान से सुनिए। ये कौन है? ये है ऋतुराज। ऋतुराज नाम का एक लड़का है, एक आदमी है। जो क्या करता है? जो करता है खेती, खेत में काम। किस में काम करता है? खेत में काम करता है। ऋतुराज खेत में काम करता है। एक दिन क्या हुआ, ऋतुराज का जो खेत था वो बिल्कुल सूख गया था, खराब हो गया था। और उस खेत को ठीक करने के लिए ऋतुराज पे बहुत ज्यादा ऋण हो गया था। ऋण का मतलब बच्चों क्या होता है? जब हम किसी से बहुत सारे पैसे ले लेते हैं ना, और हम उसे वापस नहीं कर पाते, तो उसे बोलते हैं उधार हो गया था। ऋण हो गया था। ऋतुराज पर बहुत सारा क्या हो गया था? ऋण हो गया था। तो एक दिन जब ऋतुराज अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसके पास एक ऋषि आए। ऋषि कौन आए? ऋषि आए। और ऋषि ने ऋतुराज से कहा, क्या कहा? ऋषि ने ऋतुराज से कहा कि ऋतुराज तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक ऋषभ दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ऋषभ। क्या होते हैं बच्चों? बैल, जिससे किसान अपने खेत में खेती करते हैं बैलों की मदद से, तो बैल को बोलते हैं ऋषभ। तो ऋषि ने ऋतुराज को क्या दिए? ऋषभ दिए। और ऋतुराज ने इन ऋषभ की मदद से खेती करी। क्या करी? खेती करी। कौन से ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। अब आप पूछोगे ऋतु क्या होती है? मैम आपको वेदर्स कराती है ना, कि जब बहुत ज्यादा तूफान हवा चल रही होती है, विंडी हो रही होती है, थंडर हो रहा होता है, या क्लाउडी होता है, बादल आते हैं, या रेनी है, बारिश हो रही है, या सनी मतलब गर्मी है। ये अलग अलग इतनी सारी क्या है? ये अलग अलग है ऋतुए। मैम आपको बताती है ना, वेदर बताती है ना, इन्हें बोलते हैं ऋतु। ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु होती है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे अभी चल रही है ना, जब सन निकला होता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उसे बोलते हैं हम ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में भी जब ऋतुराज ने खेती करी, जो ऋषि उन्हें ऋषभ देकर गए थे उनसे, तब भी उसके खेत बहुत अच्छे हो गए, सुंदर हो गए, हरे भरे हो गए। उससे उसे बहुत अच्छी फसल मिली और उससे ऋतुराज का सारा ऋण उतर गया और
ऋतुराज बहुत खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताने लगा। तो बच्चों ये थी हमारी अक्षर री की कहानी। क्या थी? अक्षर री की कहानी। हम इससे क्या क्या शब्द सीखे एक बारी रिवाइज करेंगे, ठीक है। री से ऋतुराज, ऋतुराज, री ऋतुराज, री ऋतुराज, री ऋण, री ऋण, री ऋण, री ऋषि, री ऋषि, री ऋषि, री ऋषभ, री ऋषभ, री ऋषभ, एंड लास्ट इज री ऋतु, री ऋतु, री ऋतु। तो बच्चों हमने अक्षर री की कहानी सुनी, इससे सारे शब्द हमने रिवाइज करे। अब आप भी एक बार ये कहानी दोबारा सुनना, फिर हम इसे बुक में लिखना सीखेंगे और इसकी गतिविधि करेंगे। ओके किड्स, बाय।